हाँ जी बिल्कुल एकदम, मैंने जो आपको गाड़ी बताया ना, आप बस वो आंख मूंद कर ले लीजिए, आप बेफिक्र रहोगे। जी जी हाँ बिल्कुल, नहीं, आप बिल्कुल आराम से आप सीएनजी वेरिएंट वगैरह भी ले सकते हो, प्लस ये सब गाड़ियाँ सिटी यूज के लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों विशाल भाई का फोन था, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका ये क्वेश्चन था कि उनको ना एक ऐसी गाड़ी लेनी है जो वो डेली यूज कर सके, और इतने ज्यादा हैवी ट्रैफिक में ना कोई ऐसी ही गाड़ी चाहिए थी उनको कि मतलब आराम से कहीं से भी निकल जाए, अच्छा माइलेज हो जाए, गुड लुकिंग कार हो, फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाए। और मुझे भी पता है, वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि ये जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो अधिकतर लोग सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो उनके लिए ना एक ऐसी गाड़ी मतलब जो कि तुरंत निकल जाए, ज़्यादा हेडेक ना मचे, और प्लस ना एक अच्छी माइलेज देने वाली, गुड लुकिंग, अच्छा खासा फीचर्स देखने को मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, नवरात्र की आप सभी को हार्दिक बधाई। और आज के ना इस वीडियो में हम कुछ पांच कारें ऐसे देख लेंगे जो आपके लिए ना बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है, डेली यूज कार, जो कि स्मॉल कार मेरे इस वीडियो में कंसिडर्ड होगी, जिसमें ना आपको फीचर्स, माइलेज प्लस एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल राइड्स प्रोवाइड करेगी। ये मोस्ट प्रोबेबली सिटी यूज के लिए मैं बता रहा हूँ, पर हाँ आप इससे लॉन्ग भी ट्रेवल कर सकते हो। खैर देखिए यार, अभी के टाइम पे ना गाड़ी अगर मैं भी लेने जाता हूँ, टाउन में रहता हूँ, तो मैं भी अगर लेने जाऊँगा तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि यार जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं ना, मुझको ऐसी कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए जो माइलेज भी निकाल दे, गुड लुकिंग हो, फीचर्स वगैरह अच्छा देखने को मिल जाए, प्लस ना गाड़ी में आपको ज़्यादा खर्चा ना देखने को मिले, सर्विसिंग कॉस्ट, रिलायबिलिटी, इंजन बहुत अच्छा देखने को मिल जाए। इस वीडियो में ना आपको सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, और स्मॉल देखिए ट्रैफिक वगैरह में चलने के लिए बड़ी गाड़ी तो मैं प्रेफर करूंगा नहीं, छोटी गाड़ी जिसकी टर्निंग रेडियस वगैरह कम हो, डायमेंशंस वगैरह सही से आपको देखने को मिल जाए, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया मिल जाए, माइलेज, सेफ्टी, हर चीज़ें मैंने कंसिडर करके चला है। तो इस कारण से ना जो हमारे पहली गाड़ी है ना, वो ह्यूंडई की ग्रैंड आई 10 नियोस सीएनजी। एएमटी भी आप ले सकते हो या इसका मैनुअल भी आप ले सकते हो, पर मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा ना कि एएमटी वेरिएंट लो, क्योंकि इसमें जाम नहीं है, आपको सिर दर्द नहीं होगा बार बार गियर वगैरह को चेंज करने के लिए। तो ग्रैंड आई 10 नियोस सीएनजी में ना आपको लगभग 8.3 लाख रुपीज की स्पोर्ट्स वेरिएंट अगर आप लेते हो ना, तो बहुत अच्छा आपको पावर प्रोड्यूसिंग भी देखने को मिल जाता है, और एक बहुत अच्छा माइलेज देखने को मिल जाता है, लगभग ना 27 to 28 किलोमीटर केजी देखने को मिल जाता है, मतलब 1 केजी सीएनजी में ये 27 to 28 किलोमीटर तक गाड़ी ड्रिवन हो सकती है, 68 bhp, 95 newton meters का टॉर्क, और वही ना गाड़ी बहुत कम जगह पे घूम जाती है, 4.8 meters का इस गाड़ी में टर्निंग रेडियस मिलता है, 4 meter कॉम्पैक्ट हैचबैक है ये, तो लगभग इस गाड़ी की जो डायमेंशन है ना 3815 mm देखने को मिल जाती है, 1680 mm इस गाड़ी में विड्थ देखने को मिल जाती है, 1520 mm इस गाड़ी की हाइट देखने को मिल जाती है गाइस, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। इस कारण से ना कभी भी डम्स वगैरह, जर्किंग वगैरह में, ब्रेकर्स वगैरह में ये गाड़ी लगती नहीं है, बहुत बेहतरीन माइलेज के साथ सीएनजी में आ जाती है। एएमटी वेरिएंट लेकर आप दिल खुश हो जाएगा, प्लस ना एक बहुत कंफर्टेबल राइड कर सकते हो सिटी राइड वगैरह में, मतलब सिर दर्दी नहीं है, रिफाइनमेंट 1.2 लीटर का कापा सीरीज का इंजन है इस गाड़ी में, तो सोचना ही नहीं है, रिलायबिलिटी है ह्यूंडई की तरफ से, और ना सर्विसिंग कॉस्ट भी गाड़ी की कम आ जाती है। अगर आप वेरिएंट लेना प्रेफर करोगे तो मैं सजेस्टेड वेरिएंट स्पोर्ट्स आती है, जिसमें सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, स्क्रीन टच वगैरह सारा चीज़ें देखने को मिल जाएगा, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब कुछ, तो आप ये चीज़ पे जा सकते हो। दूसरी ना मेरे दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाली है टाटा की तरफ से टियागो, क्योंकि इलेक्ट्रिक का मार्केट ना बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट, और ना अच्छी खासी रेंज भी प्रोवाइड कर दे रही है टाटा अपनी इलेक्ट्रिक कार्स में। तो टाटा की टियागो जो एक परफेक्ट हैचबैक है, जिसमें सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लगभग इसमें 250 किलोमीटर से लेके 315 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल जाती है बैटरी कैपेसिटी के वाइज। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लॉन्ग रेंज का इसका वेरिएंट लीजिए, जो कि टियागो ईवी एक्सजेड प्लस एलआर वेरिएंट आती है, 10.49 लाख रुपीज इस गाड़ी की एक्सजेड प्लस एलआर वेरिएंट की प्राइस है, और गाड़ी ना स्टार्ट होती है 7.99 लाख रुपीज से, टॉप एंड वेरिएंट की कीमत है 11.49 लाख रुपीज एक्स शोरूम। गाड़ी में आपको ना 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की रेंज, 61 से लेके 71 bhp इस गाड़ी में पावर देखने को मिल जाता है, वहीं बैटरी पैक 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी प्लस 24 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है, 24 किलोवाट आवर की जो बैटरी है तो 315 किलोमीटर की रेंज निकाल देती है, और इस गाड़ी की ना
₹1 पर किलोमीटर चार्जेस आ जाती है, तो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ने वाली है आपको। सिटी उसके लिए यार परफेक्ट गाड़ी है, सस्पेंशन वगैरह सब चीजें मिल जाती है। और मैंने जो आपको एग्जेट प्लस LR वाली वेरिएंट बताया ना, उसमें आपको सारे फीचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट जो गाड़ी है ना मेरे भाई, वो ना इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है और बहुत ही कॉम्पैक्ट, ये मतलब बेस्ट है आपके लिए सिटी यूज के लिए, MG की कॉमेट EV। यार ये गाड़ी ना इतनी ज्यादा छोटी है, मतलब जो नैनो आप देखते थे ना, बस उसी का मेल जोल वगैरह हिसाब है, लेकिन सबसे ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। 6.99 लाख रुपीज से स्टार्ट होकर 9.53 लाख रुपीज एक्स शोरूम जाते हैं। और मैं प्रेफर करूंगा आप इसकी एक एक्साइट FC वाली वेरियंट आती है, जिसकी कीमत 8.46 लाख रुपीज आती है। इस गाड़ी में ना आपको 213 किलोमीटर की मैसिव रेंज देखने को मिल जाती है, मतलब ना अगर आप इसको रात में चार्ज करते हो यार, तो सिटी यूज के लिए परफेक्ट है। टर्निंग रेडियस इस गाड़ी की ना आपको 4.2 मीटर की नॉर्मल देखने को मिल जाती है, मतलब तुरंत मुड़ जाएगी कहीं से भी, ट्रैफिक वगैरह में फंसने का नाम नहीं है, छोटा मोटा जो भी रास्ता हो बहुत आराम से चली जाती है ये गाड़ी। लगभग इस गाड़ी में आपको 42 BHP की पावर और 17.3 kWh की बैटरी देखने को मिल जाती है। एक बार अगर आप चार्ज करते हो 6 से 7 घंटे ना, तो आप इसको आराम से दिन भर चला सकते हो, और वहीं मैसिव 0 to 100 ये 6 घंटे में चार्ज हो जाती है। सब 3 मीटर कॉम्पैक्ट हैचबैक है, मतलब 2947 mm की लेंथ है, 1505 mm की विथ है, और 1640 mm की इस गाड़ी में हाइट देखने को मिल जाती है। मतलब बहुत ही छोटा गाड़ी, बहुत ही ज्यादा फीचर्स लोड है, स्क्रीन टच आ जाता है, प्लस 360 डिग्री कैमरास वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। बहुत बड़ा सा यहाँ पे आपको पैनोरामिक ग्लास भी देखने को मिलता है, जो कि इस गाड़ी को ना बहुत अच्छी लुक्स को प्रोवाइड करती है। 4 सीटर गाड़ी है और सिटी यूज के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं जाना है, पेट्रोल या CNG ही व्हीकल में जाना है, तो एवरग्रीन गाड़ी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आप उठा लीजिए, जो नई वाली आई है। 1.2 लीटर का इंजन, 3 सिलेंडर देखने को मिल जाता है। वहीं पावर प्रोड्यूसिंग ना इसकी CNG से पेट्रोल में 68 से लेके 80 BHP और 102 Nm टॉर्क से लेके 112 Nm की टॉर्क देखने को मिल जाती है स्विफ्ट की। यार एवरग्रीन गाड़ी है स्विफ्ट, पहले भी अच्छी चलती थी, अभी भी अच्छी चल रही है, और आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छी चलेगी। मैं प्रेफर करूंगा इस गाड़ी की CNG वेरिएंट लीजिए, और VXI में लीजिए, 7.29 लाख रुपीज पड़ेगी आपको। प्लस की जो माइलेज है ना, आपको अप टू ना 30+ km/kg देखने को मिल जाएगा अगर आप CNG वेरिएंट लेते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके CNG वेरिएंट लेते हो या पेट्रोल वेरिएंट लेते हो, दोनों में ना बेस्ट माइलेज देखने को मिल जाएगा। पर मैं प्रेफर करूंगा ट्रैफिक के लिए ना आप AMT वेरिएंट उठाओ, बहुत ही रिफाइंड इंजन देखने को मिल जाएगा, 5 स्पीड का ट्रांसमिशन गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, बाकी मैनुअल भी आप उठा सकते हो। टर्निंग रेडियस है 4.8 मीटर देखने को मिल जाती है, और सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट हैचबैक है, तो 3860 mm की लेंथ, 1735 mm की इसमें विड्थ, और 1500 mm इस गाड़ी की हाइट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही परफेक्ट है मेरे भाई। 163 mm की इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत अच्छी आपके लिए होने वाली है। प्लस ना जो इसकी सर्विसिंग कॉस्ट है, जो इसकी रिलायबिलिटी है, जो आफ्टर यूज सेल सर्विस है, बहुत अच्छी मिलने वाली है। जो नेक्स्ट गाड़ी है ना मेरे भाई, वो भी नॉन अदर देन मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 है आपके लिए, जो कि एक परफेक्ट फैमिली कार, मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद रहती है, और ना ट्रैफिक के लिए माचो गाड़ी है। मतलब जो उसमें 1 लीटर का इंजन देखने को मिल जाता है ना, वो बहुत ही रिफाइंड इंजन देखने को मिल जाता है के सीरीज का, जिसकी पावर प्रोड्यूसिंग 56 BHP से लेके 66 BHP पेट्रोल में आ जाती है, और वहीं लगभग 82 Nm टॉर्क से लेके 89 Nm की टॉर्क ये गाड़ी प्रोवाइड कर लेती है। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप ऑल्टो K10 CNG वेरिएंट लीजिए, जिसकी जो माइलेज है ना वो 30 to 34 km/kg देखने को मिल जाता है, बहुत ही कम रनिंग कॉस्ट आ जाती है ऑल्टो K10 की। प्लस ना ये गाड़ी की टर्निंग रेडियस भी 4.2 मीटर की देखने को मिलती है, मतलब छोटी सी जगह में आराम से घुस जाती है, आराम से मुड़ जाती है, और छोटे मोटे रास्ते हो जाए, गली या सकरा गली वगैरह हो गया ना, तो आराम से निकल जाती है वो चीज़। प्लस इस गाड़ी में अगर आप लेने जाओगे ना VXI या VXI ऑप्शनल वेरिएंट लीजिए, उसमें आपको टच स्क्रीन वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा, एप्पल कार प्ले वगैरह सब दे दिया जाता है। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस ना स्विफ्ट से ज्यादा देखने को मिलता है, 167 mm की इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब है ना कि बहुत सालों से ये गाड़ी टॉप 1 पे आ रही है, और अभी भी टॉप 1 पे है, आने वाले टाइम पे भी टॉप 1 पे रहेगी, क्योंकि इस गाड़ी की जो कैपेबिलिटी है ना वो
नॉर्मल गाड़ी या उससे ज्यादा भी जो आप महंगी महंगी गाड़ियां ले लेते हो ना उससे भी ज्यादा है। मनाली लेकर चले जाइए या फिर लद्दाख लेकर चले जाइए, आराम से चली जाती है। जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां फंस जाती है वहां ये सब गाड़ियां ना आराम से निकल जाती है। इसीलिए इस गाड़ी को लॉर्ड ऑल्टो भी कहा जाता है। सर्विसिंग कॉस्ट है, जो पार्ट्स के कॉस्ट है ना, बहुत कम देखने को मिलेगा। सेकंड हैंड मार्केट में इस गाड़ी की जो वैल्यूएशन है बहुत अच्छी आपको प्रोवाइड हो जाती है। मतलब आप गाड़ी लेकर चलाओ फिर मन नहीं किया तो यार बेच दो, बहुत अच्छा। अगर आप मान लीजिए 5 लाख में लेते हो ना, तो 2-3 सालों के बाद में भी ना आप उसको 3.5 लाख रुपए में तो बेच ही दोगे आराम से। और ये गाड़ी ट्रैफिक यूज के लिए बेस्ट है। AMT वेरिएंट भी आप ले सकते हो इस गाड़ी का, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा ट्रैफिक में। आराम से बैठकर आप चिल कर सकते हो, दिमाग में हेडेक नहीं रहेगा, 4 गाड़ियां आपको हॉर्न नहीं मारेगी कि आप इधर से निकालिए उधर से निकालिए। तो ये सब थी कुछ गाड़ियां, तो कंसिडर कर सकते हो मारुति सुजुकी की। और सारी गाड़ियां जो CNG में आ जाती है, जैसे वैगनआर CNG हो गए, सिलेरियो CNG वगैरह हो गए, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। और टाटा की भी CNG गाड़ियां कंसिडर कर सकते हो। वरना अगर आपको CNG नहीं लेना है तो पेट्रोल में आप मारुति की गाड़ियां ले सकते हो बेहतरीन माइलेज के साथ AMT वेरिएंट में। तो सो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहने वाली है ये सब चीज़ें। तो लाइक एंड सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमारे नए वीडियोज़ देखने के लिए।